सादा विरमनि सिखा पदं स्मादियामि डॉक्टर राहुल दास है कॉन्सेप्ट के बाद वो थोड़ा एक जातक कथा बताएंगे। हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो प्रकाश जी, प्रकाश सिंह जी प्लीज आइए और क्या बोलते हैं आज का कॉन्सेप्ट बताइए। प्रकाश सिंह समण जी जी नमो बुद्धाय। वी द पीपल, हम भारत के लोग, अभी 101 साथी जुड़े हैं। दो दिन बाद में हम 7 माह का समय हो जाएगा इस प्रैक्टिस को करते हुए। भारत ही नहीं वरन दुनिया की ये पहली मिसाल शायद होने जा रही है कि कोई मीटिंग निरंतर रूप से बगैर किसी कोशिश के, सभी उन लोगों के प्रयास से जो वीदा पीपल के कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर चुके हैं, नेचुरल प्रक्रिया में चल रही है। जो भी साथी अब तक जुड़े हैं, जितने भी डाउट्स उनके 70 सालों में क्रिएट हुए, कुछ कुछ दूर हो रहे हैं, कुछ साथी डाउट्स की वजह से वीदा पीपल में आकर के कुछ शिथिलताओं में चले गए, कुछ ऐसा लगा कि कोई प्लान है इनके पास बताना नहीं चाहते, कुछ अभी भी साथी हो सकते हैं जो किसी प्लान की तलाश में होंगे। क्योंकि कभी भी भारत में जो बाबा साहब ने हमें जोड़ा था SC ST OBC के रूप में, हमें जोड़ा गया, संवैधानिक अधिकार दिए गए, लेकिन कभी हमने उसके महत्व को नहीं समझा कि जुड़ने का काम हमारा था, वी द पीपल का था, आम आदमी का था, और जो अधिकार थे आम आदमी के वो प्राप्त करने थे। उन सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से जिनको हम लोग उन पदों पर बिठाते हैं हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारे जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, और जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन सभी लोगों ने जो संवैधानिक पदों पर बैठे, जो किसी भी तरह की पंचायतों में गए, जो सबसे बड़ी पंचायत जिसको लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है भारत की, उन्होंने वहां पर अपनी मनमानी की, वी द पीपल के लिए शोर मचाया, निजी हित के लिए काम किए, तो ये बात समझ में अब आई 70 सालों में कि जो बाबा साहब ने जो भी दिया था संविधान में, जब वो सब चीज चली गई, सिर्फ दिखने मात्र में अवशेष बची है, जिसको दिख रही है वो अभी शिथिल हैं, जिनको लगता है चली गई है वो सारे के सारे साथी वी द पीपल में अपना जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और 24 घंटे ये डिस्कशन करते हैं, ये चिंतन करते हैं कि इस देश में हम जो संघ के रूप में थे, जो संघ हमें विरासत में मिला था, जब इस देश में हम राजा थे, उस संघ को पुनः जीवित करने के लिए, पुनः इकट्ठा होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये भी ऐसे ही हमें जब तक इतनी बड़ी जो चीजें हमारे सामने है, जो धक्के हमें लगे, जब हम निरंतर देखते रहे कि जो 70 साल में प्रैक्टिस करते रहे हम, जो भी हमारे बीच में आए संगठित करने के लिए, हमें उन्होंने हमें बुलाया, हमें बिठाया, हमसे जैसा कहा वैसा हम करते रहे, और नए नए व्यक्ति आते रहे जिनकी संख्या हम लोग डिस्कस करते हैं रोजाना, 29 लाख संगठन भारत में, 4 लाख एक्टिव संगठन भारत में,
तब हम सभी साथी डिस्कस करते कि हमें जो वमन संघ के लोगों ने, वमन समाज के लोगों ने, या उनके ऐसे लोग जो कई हजार साल तक की सोच करके एक व्यवस्था भारत में दी, एक चार मंजिल मकान की तरह, ऊपर की मंजिल में ये रहेगा, दूसरी मंजिल में ये रहेगा, तीसरी मंजिल में ये रहेगा, सबसे नीचे की मंजिल में ये रहेगा, जो इंसानों को विभक्त किया, जो उन्होंने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को ढोने के लिए हमारे ही समण संघ के लोगों को लगा दिया पूरी तरह से, और हमारे समण संघ के लोग व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी शान समझते हैं, अपना मान समझते हैं। लेकिन जितने साथी बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते थे, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे, यहां तक कि अपने आप को बुद्धिस्ट भी कहते थे, वो सारे भी वही प्रैक्टिस करते रहे कि जोड़ने के प्रयास में तोड़ते रहे। जोड़ते जोड़ते वो थक गए लोग, लेकिन अभी भी तोड़ने के में नहीं थके हैं, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ परियार साहब हैं, उन्होंने एक फिगर निकाली थी कि एक मिनट में 8 संगठन बन के तैयार हो जाते हैं भारत में हमारे। तो तोड़ने की प्रक्रिया निरंतर है, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया वी द पीपल ने शुरू कर दी है, क्योंकि वी द पीपल को होश आ गया, हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें स्वयं को बचाना है, इस देश को बचाना है, इस देश में एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी समाज का जन्म देना है जो इंसान इंसान में भेद न करे, जो इंसान इंसान के लिए खड़ा रहे, जन से जिंदा रहे। तो अब वी द पीपल ने ये ठान लिया है और ये मान लिया है, और ये अब डंके की चोट पे कहना शुरू कर दिया है कि वी द पीपल अब किसी भी संगठन को जिंदा रहने के लिए या जिंदा करने के लिए किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ही सहयोग से वो संगठन बने और हमारे ही ऊपर सामाजिक संगठन होने के पश्चात भी उनकी जो पॉलिटिकल नेचर थी, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो राजनीति हैं, वो सामाजिक जो हमारे बीच में लोग आए, उनके बिहेवियर में जब दिखने में आई, उनकी ड्यूअल नेचर हमारे सामने आई, वो दिखते कैसे हैं, करते क्या हैं, उनके व्यवहार में अंतर जब दिखे, इन सब चीजों को लेकर के ये कटिबद्ध रूप से हम लोग रोज डिस्कस करते हैं कि अब जो काम हमारा था जब हमने नहीं किया तो उन्होंने जैसा किया, उनको जो अच्छा लगा वैसा किया, वो हमारे हित में नहीं आया वो अलग चीज है, लेकिन अब हमने ये ठान लिया कि हमें जुड़ना है। और ये शायद भारत में ही नहीं वरन दुनिया में जुड़ना और जोड़ना इसको काम पहली बार माना गया है, इससे पहले कभी भी ये काम नहीं माना गया। किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने दिमाग के एक्सट्रीम उपज से कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आया, कोई प्लान लेके आया, उस प्लान को उसने एलेबोरेट किया, सामने रखा, लोग उस प्लान से जुड़ते चले गए, किसी के साथ 1 लाख जुड़े, किसी का 2 लाख जुड़े, किसी का 10 लोग जुड़े, किसी का 20 लोग जुड़े, वो जुड़ते चले गए और वो अपने प्लान को जहां तक पहुंचा सकते थे वहां तक पहुंचाते रहे। लेकिन अब भारत में कोई भी व्यक्ति विशेष कभी भी किसी भी तरह का अपने दिमाग का एक्सट्रीम वर्जन लेके आता है तो वी द पीपल उस व्यक्ति विशेष पे कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वी द पीपल वो निर्णय लेता है जो संघ के रूप में निर्णय लिए जाते थे, जो हमारे पूर्व तथागत बुद्ध के समय और उनसे पहले भी जिस प्रकार से हम इकट्ठा होते थे, संघ के रूप में रहते थे, संघ के रूप में निर्णय लेते थे और निर्णय लेने के बाद सभी हम उसको फॉलो करते थे, तो आज उसी रूप में ये संघ स्थापित हो चुका है। और मुरादाबाद में जो 31 अक्टूबर 2021 को मीटिंग संपन्न हुई थी, फिजिकल मीटिंग, जिसमें लगभग 300 लोगों ने प्रतिभाग किया था, वहां 42 से 45 संगठनों के जो पदाधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने सभी ने एक मत से माना था कि हमें संघ की आवश्यकता है
और हम सभी को संघ में आना है, और उस संघ में आने के लिए सभी लोगों ने अपना व्यक्तिगत योगदान देना भी सुनिश्चित किया, अपना सामूहिक और सामाजिक योगदान देना भी सुनिश्चित किया। उसी क्रम में अब एक मीटिंग विदा पीपल की, जो एक दिवस संगीति है जनपद अमरोहा में, जो मुरादाबाद मंडल का जनपद कहलाता है, वहीं पर आईटीआई कॉलेज, एनएसडी आईटीआई कॉलेज नारंगपुर दिल्ली रोड, जो दिल्ली से केवल 125 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर संपन्न हो रही है। उसमें जो भी साथी हमारे पहले से जुड़े हैं, वो उन साथियों के रिलेटिव्स, मित्र, आस पड़ोसी, परिवार के सदस्य, जो भी आसपास रहते हैं, वो यहां आमंत्रित हैं, उसमें प्रतिभाग करें। क्योंकि अब वहां के जो स्पोक्स हैं, एक प्रमोशन यहां पर होता है, केवल विदा पीपल में एक ही प्रमोशन है, वो भी प्रमोशन ये है कि जब भी कोई साथी ये कहता है मीटिंग्स, किसी के मुंह से विदा पीपल कॉन्सेप्ट सुन करके कि मैं विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूं, तो उसका जो प्रमोशन है तुरंत हो जाता है। सिर्फ उसे ये कहना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि मैं विदा पीपल का कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं, मैं विदा पीपल में सक्रिय रूप से अपनी इच्छा से काम करना चाहता हूं, योगदान देना चाहता हूं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहता हूं, जुड़ने और जोड़ने की कोशिश में अपना योगदान देना चाहता हूं, तो उसका तुरंत प्रमोशन कर दिया जाता है। हर मंडे को या तो स्पोक्स चर्चा होती है, या महीने में एक बार हाउस लगता है, संघ के लोग बैठते हैं, वहां जो साथी जो काम करना चाहते हैं वो अपने हिस्से का काम ले लेते हैं और उसमें निरंतर योगदान देते रहते हैं। ये प्रमोशन किसी भी साथी का हो सकता है, और इस प्रमोशन में मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि मैं काम करने को तैयार हूं। क्योंकि ये एक ऐसी मशीन विदा पीपल की 7 महीने से लगभग चल रही है, इस मशीन में जो जो साथी अब तक टिके हैं उनको ये मान लिया गया है, हम सभी साथी मान गए हैं कि उन्हें देश की चिंता है, उन्हें परिवार की चिंता है, उन्हें स्वयं की चिंता है, और उन्हें इस देश में जो व्यवस्था थी, खड़ी व्यवस्था, उस व्यवस्था से वास्तव में परेशानी थी, उन्होंने महसूस किया, और हमारे समाज में जो वास्तविक व्यवस्था है, जो इंसानियत की व्यवस्था है, उसको स्थापित करने में अपना योगदान देने के लिए तुरंत जो है वो अग्रसर हो गए हैं। हमारे सभी उम्र के साथी, चाहे उनकी एज 90 प्लस है, 80 प्लस है, 70 प्लस है, 60 प्लस है, और चाहे 30, 40, 35 ये है, तो वो सभी साथी जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, उसको जीना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको जोड़ना शुरू कर दिया है, तो जोड़ने में एक बड़ी मजे की बात ये दिखने में आ रही है, जो जो साथी ये कहते थे कि मेरे पास कई हजार लोगों की भीड़ है, मेरे पास कई लोगों लाख लोगों की भीड़ है, लेकिन वास्तव में जो एक्चुअल चीजें सामने आई कि उनसे कितने लोग जुड़ पाए अभी तक, तो वो चिंताजनक स्थितियां देख करके उन्होंने क्विट कर दिया, यहां जोड़ने और जुड़ने की परंपरा को छोड़ करके वो लोग यहां से छोड़ के चले गए। लेकिन जो साथी जुड़े हैं, जो साथी इसको डेडिकेशन के साथ में जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में निरंतर कार्य कर रहे हैं, उन साथियों के सहयोग और प्रयास से जो स्पोक्स की संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, और इसमें कई सारे चमत्कारिक प्रदर्शन हुए कि सभी प्रकार के डॉक्टर्स भारत में जुड़े। जुड़ने के बाद में उन्होंने तय किया कि हमें विदा पीपल के लिए ओपीडी लगानी है, ओपीडी लगती है। फिर एक पहली, भारत नहीं बल्कि दुनिया की एक पहली संगीति केवल और केवल डॉक्टर्स की, जो स्पोक्स हाउस है डॉक्टर्स, उनकी लखनऊ में 26 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से डॉक्टर्स इकट्ठा होंगे। वहां वो ये तय करेंगे कि हम जिस प्रोफेशन के लोग हैं, उस प्रोफेशन के लोग पे बैक टू सोसाइटी, जो कर्ज बाबा साहब ने हमारी जिंदगी पर किया है, उसको कैसे उतारें, और विदा पीपल के लिए हम क्या करें, ये तय करेंगे 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में। उसका हिस्सा बाकी हमारे स्पोक साथी बनेंगे, जो वहां प्रतिभाग तो करेंगे, लेकिन वहां ये देखेंगे कि हमारे डॉक्टर साथी
किस प्रकार से हाउस को चला करके वीदा पीपल के हित में निर्णय लेते हैं और वो हमारे समाज को वीदा पीपल को क्या क्या चीज जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको कैसे मुहैया कराते हैं। दूसरा जो लीगल सेल के साथी हमारे जुड़े एडवोकेट साथी जो जुड़े उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम पूरे भारत में जहां भी वीदा पीपल को आवश्यकता है वहां लीगल हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट केवल डॉक्यूमेंटेशन खर्च पर उपलब्ध कराएंगे और वो निरंतर अपने एडवोकेट साथियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे इस वीदा पीपल के मंच पर जो शिक्षक साथी आज तक जुड़े वो ये तय करने के लिए एक कमेटी के रूप में काम कर रहे हैं कि वीदा पीपल में जो टीचर्स हैं उनका योगदान वीदा पीपल के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम कभी जुड़े नहीं थे इसलिए कोई भी ऐसा परिणाम हम नहीं देख पाए जिसको कहें परिणाम है दिखाई। तब के महिलाओं के रूप में 10 20 30 तारीख को जो पूरे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाएं समण संघ की महिलाएं जिनका कभी नहीं ऐसा देखा गया वो सारी महिलाएं अपने आप इस पोर्टल पे आती हैं, जुड़ते हैं, अपने आप ही एंकरिंग करते हैं, अपने आप ही कॉन्सेप्ट बताते हैं और वो पूरा मीटिंग को अपने आप ही हैंडल करते हैं। ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो महिला शक्ति के रूप में वीदा पीपल में चमत्कारिक प्रदर्शन हुआ है इससे बहुत सारे लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं जो सुनते हैं वो हतप्रभ हैं, क्योंकि जो महिलाओं की संख्या भारत में 50% है और जिनको अधिकार आज तक नहीं दिए गए थे उनको अधिकारों के नाम पे अधिकार सुरक्षित किए गए लेकिन हमने हम लोगों ने अपने घरों में अपने आस पड़ोस में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए। तो वीदा पीपल में एक ये तय किया है कि हम सभी सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ेंगे, परिवार सहित जुड़ेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी संगठनों ने जुड़े हैं जोड़ने की कोशिश की है उन्होंने दूसरे परिवारों को जोड़ने की कोशिश की है, स्वयं के परिवार उनके कभी नहीं दिखते। तो इसलिए वीदा पीपल के साथ जो पावर है जो ताकत है वो पूरी पारिवारिक ताकत है और उस ताकत के साथ में वीदा पीपल आज पूरे भारत में हर जगह इस ऑनलाइन मीटिंग के अलावा भी रोजाना कहीं ना कहीं मीटिंग संपन्न हो रही है। कई सारी मीटिंग अवेटेड हैं जो हमारे रमेश कटके साहब हैं उन्होंने 3 से 4 मीटिंग अनाउंस कर दी है, नागपुर की मीटिंग डेट भी आ गई है। इन इस तरह के जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास में नए नए साथियों के नए नए आइडियाज आते हैं, वो मंडे में डिस्कस करते हैं, हाउस में उसको एजेंडा लगाते हैं, जैसे ही वो पास हो जाता है उसको हम अपने जीवन में अनुपालन करना शुरू कर देते हैं। वीदा पीपल ने ये तय किया कि वीदा पीपल कभी भी आम आदमी से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेगा, कोई चंदा नहीं लेगा, कोई रसीद नहीं काटेगा। अगर कोई भी साथी वीदा पीपल के नाम से चंदा लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का चंदा ना दिया जाए और उसको एक्सपोज किया जाए। वीदा पीपल लगातार जो लिंक जारी होता है उसमें भी इस बात को लगातार लिखा जाता है। दूसरा ये संघ में निर्णय लिया गया कि वीदा पीपल में कोई भी मंच और माला का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई मंच नहीं लगेगा, क्योंकि वीदा पीपल में प्रीएम्बल को हम रोज पढ़ते हैं। प्रीएम्बल में समानता, बंधुता, भाईचारा ये 2-3 शब्द कहने को बड़े आसान हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे बीच के साथी जो भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार की ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि वो अपने सामने अगर उनसे ताकत में, उनसे अर्थ में, उनसे किसी प्रकार से अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसकी वंदना करते हैं और अगर वो सामने वाला व्यक्ति किसी भी रूप में कमजोर है तो उसको दुत्कारते हैं। ये ऐसा देखा गया है, ये हमारे जीवन में भारत में कम से कम इसको देखा गया है। तो वीदा पे ये जिस किसी साथी के भी बीच में समानता, बंधुता, भाईचारे की भावना नहीं है तो वो शायद वीदा पीपल में अभी उसको परेशानी हो रही है, उसको समस्या आ रही है। उस समस्या को देखते हुए बहुत सारे साथी निष्क्रिय होने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर दोबारा से आ जाते हैं। तीसरी बात, वीदा पीपल ने ये तय की कि हम जो भी मीटिंग करेंगे
उस मीटिंग में हमारे आने जाने खर्च हम स्वयं वहन करेंगे, अपने साथ खाने का खाना 4 से 6 पराठे लेके जाएंगे, 4 अपने खाने के लिए, 2 उन साथियों के लिए जो किसी कारण से दूर से आते हैं या जल्दी में आते हैं वो नहीं ला पाते हैं, तो उन साथियों को मिल जाएं। लेकिन इसमें ये गारंटी नहीं होती कि जो खाना जो पराठे हम लेके जा रहे हैं वो हमारे पराठे हमारे हिस्से में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वहां एक पूरी कमेटी बनती है, एक टीम बनती है, उस खाने को सुरक्षित रूप से रखा जाता है और हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने के बाद में उस खाने को खाते हैं सभी लोग और प्यार से खाते हैं, और उसी टाइम हमें पता लगता है कि वास्तव में विदा पीपल की ताकत है कि वो आपस में जुड़ रहे हैं। जो हम एक साथ खाना खाते हैं उस खाना खाने में देखा गया, जो संगति लगी है अभी तक, उसका आनंद कभी भी ऐसा नहीं लिया गया जैसा आज तक हमने संगठनों में देखा। वो संगठन हमसे पैसा लेते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, अपना मंच लगाते हैं, वहां उन सारे साथियों को, जो साथी अंबेडकरवाद को जानते हैं, जो अपने जीवन में नित्य प्रति काम अच्छे करते हैं, उन सबको कई सौ लोगों के ऐसे भाषण सुनने पड़ते हैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे कि जो उन भाषण को सुनने से उनपे कोई असर नहीं होता, बल्कि वो पहले से अपडेटेड होते हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके जब ये मान लिया गया कि अब संगठन के रूप में हम जितना जुड़ सकते थे जुड़ चुके, उसका नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन, और ये एक्सट्रीम लेवल का वर्जन जिसे हम आज समण संघ के रूप में जानते हैं, जिसे हम विदा पीपल के रूप में जानते हैं, वो भारत में ही नहीं वरन एब्रॉड में भी स्थापित हो चुका है। तो इस सब की प्रैक्टिस करते हुए आज धम्म विशेष है, इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग बताते हैं, हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या हमारे अंदर है, इलाज हमते हैं, ऐसा इस देश में देखा जा रहा है। हम लगातार जितने भी साथी हैं पंचशील की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, हम इस प्रकार रोज भाषण के रूप में बोलते हैं, कहीं ना कहीं रूप में सुनी जाती है, लेकिन जो जो साथी इनकी प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में, वो इसका आनंद प्राप्त करते हैं, वो शांति प्राप्त करते हैं, और वो उन सारी बीमारियों से ऊपर निकल जाते हैं जिसमें एक आम आदमी अपने पूरे जीवन भर अटका रहता है। तो हम सब ने, विदा पीपल ने, जो भी चीजें हमें लगता है अच्छी हैं, जो भी चीजें जरूरी हैं, उन सबकी प्रैक्टिस हम अपने ऊपर करते हैं। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप ऐसा कीजिए। हम में से जिस साथी को जो चीज अच्छी लगती है, जो प्रस्ताव अच्छा लगता है, जो एजेंडा अच्छा लगता है, उसको संघ में लेके आते हैं, उस पर चर्चा कराते हैं, और अगर वो पास हो जाता है तो उसको स्वीकार करके अपने जीवन में आगे लोगों के सामने रख दिया जाता है। इसमें जोड़ने जुड़ने के रूप में एक हाउस में फार्मूला पास हुआ, 1+10। 1+10 का मतलब ये माना गया, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर अपने 20, 25, 30, 35, 40 साल पास कर चुका है, तो कम से कम 10 लोगों को जोड़ने की क्षमता उसे पैदा हो गई होगी। पत्नी को जोड़ना है, भाई को जोड़ना है, बहन को जोड़ना है, पिता को जोड़ना है, अपने किसी मित्र को जोड़ना है, इनकी संख्या का लगाई जाए कम से कम 10 तो बैठ जाती है। अगर 10 लोग भी कोई नहीं जोड़ पा रहे हैं या जोड़ पाए हैं अभी तक, तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ समय में जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जोड़ने जुड़ने का, ये माना गया कि विदा पीपल जब भी जुड़ जाएगा तब भारत में विदा पीपल की समस्याएं मूल रूप से समाप्त हो जाएंगी। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प जो विदा पीपल मानता है, जोड़ना और जुड़ना। इसमें बहुत सारे साथी डिस्कस करते हैं कि इन समस्याओं पर बात करें, इन समस्याओं पर बात करें, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, समस्या बताने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन समस्या का समाधान बताने वाले व्यक्ति नहीं मिलते, और जो समाधान बताते हैं वो एक समाधान बताते हैं, और वो भी वो बताते हैं जो विकल्प उनके पास नहीं होता, जो सॉल्यूशन नहीं होता। विदा पीपल हर समस्या का एक ही समाधान बता रहा है, जुड़ना। जैसे ही हम जुड़ते हैं या जैसे ही हम अब तक जुड़े हैं, लगभग 20 से 22 स्टेट
के लोग हम जुड़े हैं, एक परिवार के रूप में एक दूसरे जानते हैं, हम रोज मिलते हैं, हमें पूरा दुनिया अब ऐसा लगने लगा है जैसे बहुत छोटा हो गया। हमारे साथी हर स्टेट से, हर जनपद से, हर मंडल से, विदेश से, दूसरे जो राज्य हैं उनसे जब हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, हमें अब ऐसा लगने लगा है कि पूरा भारत, भारत ही नहीं, जो हमारे साथी यहाँ के बाहर रहते हैं, वो सब एक परिवार बन गया है, वो एक संघ बन गया है। उस संघ का नाम है समण संघ। समण संघ, हम सभी समण हैं, हम सभी संघी हैं, हम सभी आपस में एक दूसरे को समण के रूप में जानेंगे। हमारी पहचान विदा पीपल, समण संघी, इस प्रकार से हम अपने आप को स्थापित करेंगे। और इस स्थापित करने के प्रक्रम में जो जो भी हम मानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, वो नेचुरल प्रक्रियाएं, वो नेचुरल ट्रुथ, वो नेचुरल प्रैक्टिस के रूप में हमारे सामने आती हैं। जो भी समस्या आती है उस पर बात करते हैं, उसका समाधान निकल आता है। लेकिन जोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, और ये तब तक चलेगी जब तक हम सभी लोग जुड़ नहीं जाते, हम सभी लोग ये नहीं समझ जाते कि हम विदा पीपल हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के शासक थे, शासक बीच में नहीं रहे, शासक हो सकते हैं। क्योंकि समाज जब जुड़ जाता है, जब संघ बन जाता है, सत्ता किसी की रहे, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन विदा पीपल के सामने उन्नत नपस्तक होता है। विदा पीपल ने संविधान को अपना नेता माना। बहुत सारे साथी कहते हैं संविधान नेता कैसे हो सकता है। भारत में आज तक जितने भी नेता स्थापित हुए हैं वो सारे के सारे संविधान के माध्यम से हुए हैं, और सारे के सारे नेता संविधान की दुहाई देते हैं। तो हमारे उन साथियों को ये समझना है, जब इतने नेता 70 सालों में संविधान ने दिए हैं, तो हमारा नेता संविधान कैसे हो सकता है। क्योंकि संविधान में जो भी चीजें निहित है, विदा पीपल उसके प्रैक्टिस करता है, उसको मानता है, पूर्ण रूप से मानता है, अक्षर से पालन करता है। और विदा पीपल ये भी मानता है जिस दिन भारत में संविधान 100% लागू हो जाएगा, उस दिन विदा पीपल की समस्याओं का पूर्णतया निदान हो जाएगा, फिर विदा पीपल की कोई समस्याएं नहीं बचेंगी। आम आदमी, विदा पीपल सभी इंसान के रूप में स्थापित होंगे, इंसान के लिए काम करेंगे, और हम एक दूसरे के साथ में पूर्ण रूप से सहयोग में खड़े होंगे। क्योंकि हम मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी अपने आसपास के उन लोगों को जिनको जानते हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार की असमानता, किसी न किसी प्रकार का भेदभाव, किसी न किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के कैरेक्टर अपने अंदर ले आते हैं, जिनसे उनको खुद को कष्ट होता है, ना कि दूसरों को। तो इस प्रकार का विदा पीपल में प्रैक्टिस चल रही है कि हम सभी साथियों, कभी ऐसा नहीं लगा आज तक कि हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई हमारे बीच में ईर्ष्या है, कोई द्वेष है। हम केवल और केवल एक मिशन पे लगे हैं, वो है जुड़ना और जोड़ना। उस क्रम में सभी साथी जो 1+10 के फार्मूले को कंप्लीट कर चुके हैं, जो 1+10 के फार्मूले को कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो लगातार प्रयास में लगे हैं, और आगे चल करके हमारी संख्या जो रोजाना बढ़ती है, जो इस कॉन्सेप्ट को मानने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, वो दिन ब दिन अपने सारे माध्यमों से इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि हम जहां भी बैठते हैं, हम एक इंटरनेशनल डे हमारा होता है शनिवार, शुभ शनिवार, उसमें हम इंटरनेशनली जो साथी वो भी जुड़ते हैं, पूरे भारत के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये दिन था हमारे जुड़ने का, बात करने का, हमारे बैठने का। तो अब ये समण संघ में स्थापित हो गया है कि हम हर शनिवार को हर स्पोक्स और आम आदमी जो विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को जानता समझता है, वो जहां भी बैठता है विदा पीपल की बात करता है, जोड़ने और जुड़ने की बात करता है, और भाईचारे की, बंधुता की बात करता है, समानता की बात करता है, जो भी संविधान में चीजें लिखी हैं उसकी बात करता है। और जिस आम आदमी के लिए भारत के संविधान में सारी चीजें थी, सारे अधिकार थे, उसके लिए वो जो हमारे सामने आते हैं किसी ना किसी रूप में संवैधानिक पदों पर बैठने के आधार पर, अब विदा पीपल
बिल्कुल नजर मिला के, आंख उठा के, उनसे नजर में नजर मिला के बात करेगा कि आप संविधान के माध्यम से जिस पद पर आए हैं, आपका उत्तरदायित्व, आपका कार्य क्या था, क्या किया है और क्या आप कर रहे हैं। अगर उस कार्य को सही से नहीं कर पा रहे हैं तो वी द पीपल उनसे प्रश्न करेगा, हर जगह करेगा, हर समय करेगा, हर जनपद में करेगा, जहां जहां वो बैठेगा वहां करेगा, क्योंकि वी द पीपल ये जानता है कि हम जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जिस जिस वक्त जुड़ेंगे तब तब जीत जाएंगे। तो केवल हम जुड़ेंगे जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। हम समण संघ के सभी सदस्य हैं, विदा पीपल हैं, संघी हैं। हम इस प्रक्रिया को निरंतर रोजाना प्रैक्टिस में लाएंगे। हम सामने वाले को समझाने के बजाय खुद समझने की कोशिश करेंगे, सामने वालों के दोष दूर करने के बजाय खुद के दोषों का निवारण करेंगे। और जब हम ऐसा कर देंगे और हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी विदा पीपल, सभी समण संघ के लोग हमें देख करके, हमारे आचार व्यवहार को देख करके, हमारे आचरण को देख करके वो हमारे साथ हो जाएंगे। और उस दिन भारत में समण संघ पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा, फिर हम अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करने में सफल होंगे। धन्यवाद। कुछ नए साथी हमारे जुड़े हैं, बहुत सुंदर। आज से हमारा मीटिंग का 1 तारीख से पैटर्न बदल गया है। हम ठीक 8 बजे काम की बात शुरू करते हैं, किस किसने कितना कितना समण संघ को, वी द पीपल, हम भारत के लोग को समझाया है, जाना है, कोई परेशानी आती है तो उसके बारे में बात होती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपस में हम इसको देखते हैं। और ठीक 9 बजे हमारा कंसेप्ट होता है, इस बीच में कोई नए साथी हमारे आते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन होता है। कंसेप्ट के बाद में जो टाइम है वो है कि अगर कोई नया साथी या कोई पुराना साथी मगर स्पोक ना हो, क्योंकि स्पोक सिर्फ स्पोक हाउस में प्रश्न पूछेंगे। कोई अगर कंसेप्ट के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कोई नया साथी पहली बार जुड़ा हो, उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो या उसको कोई डाउट हो तो पूछ ले। कोई साथी हो तो बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। रमेश कटके जी, साधु साधु साधु। हाँ सर, आज क्या, आज का जो थीम है वो बताइए और उस पर चर्चा कराइए। और धन्यवाद राहुल दास सर, आपको साधुवाद। आपने बहुत अच्छी 2 जातक कथाएं बताई, तथागत बुद्ध का धम्म, जो जिन लोगों को धम्म समझ में नहीं आता तथागत जातक कथाओं सुनाकर ही ऐसा धम्म का सार सुनाया करते थे। तो आज जो हमारा जो पैटर्न बदला है, जैसे कि सूर्यवास की सर ने बताया कि आज 1 दिसंबर है और करीब हम लोग 5 मई से शुरू हुए थे और आज लगभग 7 महीना कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं और विद द पीपल ने बताया है कि हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सिर्फ इतना है कि हम इकट्ठा होने के बाद अब हमें क्या करना है। तो सुधीरराज सिंह सर और जैसे कि हाउस में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था और हाउस ने डिसाइड किया था कि हमें कुछ एक्टिव काम करना होगा और विद द पीपल का एक फॉर्मेट चेंज करके उसको पार्टिसिपेटरी और एक्टिव काम करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। इसी का एक भाग देखकर हमने इस विद द पीपल को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है। तो उसी पड़ाव का एक जो मुकाम है वो है कि तथागत बुद्ध का धम्म है या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो सुविचार है, ज्योतिबा फुले है, पेरियार जी है, या फिर जो भी बहुजन समाज को जागृत करने वाले जो भी महान नेता हो गए, जो भी महान महानुभावी हुए, उन लोगों की विचारधारा को क्या हम डिस्कस करेंगे और उससे हम क्या ले सकते हैं हमारे जीवन में, हमारा जीवन ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ये एक थीम सोची थी, उसी का एक भाग हुआ कि शुरुआत कैसी की जाए। तो जैसे कि बुद्ध है जो बाबा साहब के पहले गुरु है और बाबा साहब का एक कोटेशन है, बाबा साहब कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब कि इस दुनिया के हर इंसान का अंतिम ध्येय उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, तो अपने मन का विकास वो कैसे करे। क्योंकि बाबा साहब बुद्ध की इस बात को बहुत बार बार कहते थे और बाबा साहब ने अपनी सारी विचारों की थ्योरी जो है, विचारों का बेस जो है वो बुद्ध की धम्म के ऊपर और बुद्ध की विचारधाराओं के ऊपर ही बाबा साहब ने अपनी पूरी फिलॉसफी रखी है।
क्योंकि बाबा साहब ने 1954 में भी कहा था कि मेरे जो जीवन के तत्व है स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, ये मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन से नहीं लिए, मैंने मेरे गुरु तथागत बुद्ध से लिए हुए हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और भगवान बुद्ध को जैसे कि गोयनका गुरु जी ने भी कहा है, ओशो ने भी कहा है, बंते धम्मानंद ने भी कहा है, और बहुत सारे लेखक है जो बुद्धिज्म में अथॉरिटी थे, उन्होंने भी कहा है कि भगवान बुद्ध मन के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। तो मन से ही सारी कुछ सारी चीजें होती है। बुद्ध का धम्म अपने मन का विकास करने की ही बात करता है, तो क्यों ना हम लोग भगवान बुद्ध ने जो मन का विकास कैसा करना चाहिए इसके ऊपर जो धम्म की सारी शिक्षा दी है, इसी से फिर आज के सुविचार की या कुछ गाथाओं की शुरुआत करें। तो धम्मपद ऐसा एकमात्र जो ग्रंथ है, एकमात्र जो टेक्स्ट है जिसका बाइबल से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसलेशन हो चुका है। विश्व के करीब करीब 153 जहां तक मेरी समझ है 153 लैंग्वेजेस में धम्मपद का ट्रांसलेशन हुआ है, विश्व की सारी प्रमुख भाषाओं में और कई देशों की बहुत सारी भाषाओं में धम्मपद पढ़ा जाता है और लोग इसको सुनते भी है। तो धम्मपद ऐसा है कि बुद्ध धम्म का सार है, और धम्मपद हमें पता है कि जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इसमें से सुत्त पिटक के 5 निकाय है, उसमें दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। और धम्मपद ये खुद्दक निकाय के जो 19 ग्रंथ है, 19, उसमें से धम्मपद एक ग्रंथ है। तो तथागत बुद्ध का धम्म जिस किसी को भी समझना है तो उसने धम्मपद को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि धम्मपद में करीब 26 चैप्टर्स है और 423 गाथाएं हैं। और जो भी तथागत बुद्ध के धम्म की सारांश रूप में शिक्षा लेना चाहता है, उसने धम्मपद का अगर पाठ किया, धम्मपद को अगर पढ़ा, तो भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा सार उसको पता चल जाता है। अब ये धम्मपद की शुरुआत और विद पीपल का क्या कनेक्शन है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान की शुरुआत ही विद पीपल से की है, और तथागत बुद्ध का धम्म है ये लोगों की सुरक्षा के लिए ही था। बुद्ध ने यही सोचा कि मैं इंसान बन गया हूं, मैं बुद्ध बन गया हूं, मुझे पता चला कि दुख से कैसे मुक्त होना है, और बुद्ध के मन में ये भावना आई कि क्यों ना मैं, मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं लोगों के बीच बांटूं। तो बुद्ध निकल पड़े, पहले पंचवर्गीय भिक्षु को बुद्ध ने अपना धम्म बताया, उसके बाद जो लोग भी मिलते जाते थे उन लोगों को भगवान बुद्ध ने अपना धम्म 45 साल तक बांटा। तो ऐसा ही प्रचार प्रसार करते करते भगवान बुद्ध ने जितने भी 82,000 प्रवचन दिए, गाथाएं दी, और 2,000 कंटेम्परेरी भिक्षु ने दिए, उसका सार जो निचोड़ है वो धम्मपद में है। तो धम्मपद के 423 टोटल गाथा है और 26 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर है यमक वग्गो। यमक वग्गो की पहली ही गाथा है जो कि मन के ऊपर बात करती है, इंसान दुखी क्यों होता है और इंसान को दुख से कैसे मुक्त होना है, इस संदर्भ में ये पहली दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने बताई। इसका मैं आपके सामने संक्षिप्त में कुछ विवरण रखूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा, और सभी विद पीपल के जो भी समन संघ के साथी है, बहने हैं, हमारे दोस्त है, उनको मैं ये फोरम ओपन करूंगा, वो अपनी अपनी बात रखेंगे धम्म के ऊपर, क्योंकि आज से हम धम्म की चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो पहली गाथा है वो है मनो पुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेत्वी चक्कव वहतो पदम। अर्थ है कि मन सभी धर्मों का, प्रवृत्तियों का अगुआ है, फोरनर है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। दूसरी गाथा है मनो पुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच पसन्ने न भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत्वी छाया व अनपायिनी। इसका अर्थ है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को
किला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब सुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। तो बुद्ध ने अपने धम्म का सार धम्मपद में इस गाथा में इसीलिए कहा है कि बुद्ध कहते हैं कि हम लोग जो भी है वो हम हमारे मन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक आधी बात अगर बुरी बात हो या अच्छी बात हो या बुरी बात हो सबसे पहले हमारे मन में आती है। और विज्ञान भी मन के बारे में क्या कहता है, विज्ञान यानी साइंस मन को ऐसा डिफाइन करता है, साइंस कहता है कि व्हाट इज माइंड, माइंड इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ थॉट, मन जो है अनंत विचारों की श्रृंखला जो हमारे मन में आती है उसी को ही मन कहा है साइंस ने। और भगवान बुद्ध 2500 साल पहले यही बात कह गए जो कि आज साइंस स्वीकृत करता है। तो वही बात हमें विद पीपल से हमें वही बात दोहरानी है। अगर हम लोग विद पीपल के हर एक कड़ी को जोड़ देते हैं, हर समन संघ के मेंबर को जोड़ देते हैं, जैसे कि हम हर कंसेप्ट में बताते हैं कि विद पीपल कौन है, जो भी समन संघ का साथी है चाहे वो विद पीपल का आज मेंबर हो या नहीं हो, चाहे वो मेंबर नहीं हो इस सभागार में नहीं भी हो, इस समन संघ की आज की मीटिंग में वो उपस्थित भी नहीं हो, लेकिन वो समन संघ से रिलेट करता है। अब हमारा कर्तव्य है कि हमारे मन को पहले जागरूक करना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो सार है वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात अगर क्या है तो सम्मा सती आतापी संपजानो सतीमा। बुद्ध ने कहा कि मन को अगर हम समझ देना है तो सबसे पहले हमें जागरूक रहना होगा, हमें सती में रहना होगा, जागृति में रहना होगा। जिस कभी दिन हम लोग वर्तमान में जागरूक रहते हैं और कोई भी बात हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारा मन स्वीकृत कर लेता है। और बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि हम दुख से घिरे हुए हैं, हम दुख से पीड़ित है, जैसे भी हम जागरूक हो जाएंगे और कोई चीज को अगर समझ लेंगे और अगर हम जागरूक होकर हम वर्तमान में रहते हैं तो हम उस विचार को आत्मसात करते हैं। अब हम विद पीपल में काम करते करते हमारे मन के मैल को अगर दूर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे मन को दुरुस्त करना होगा। और मन को दुरुस्त करने के लिए ही भगवान बुद्ध का धम्म है जो कि खासकर 7 प्रिंसिपल पे डिपेंड है। पहला है प्रतीत समुत्पाद, जो कहता है कि कोई भी चीज बगैर कारणवश नहीं होती है। हमारे मन में कोई सोच आती है, कोई विचार आता है, किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, किसी के प्रति राग उत्पन्न होता है, या किसी के प्रति मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा, ये भाव जो आ जाते हैं ये पहले हमारे मन में अपीयर होते हैं। और अगर हम लोग उस मन को मैले भावना से देखते, मैल की भावना से देखते हैं या बुरी भावना से देखते हैं तो हमारी वाणी भी वैसे ही बुरी होती है और कर्म भी वैसे बुरे होते हैं। लेकिन जब हमारा मन जागरूक रहता है और वर्तमान स्थिति में रहता है तो हम अच्छी बात को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम हमारी मन की बात अच्छी बात को ठीक ढंग से जागरूक मन से स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे जैसा कि सुनार सोने का मल जो है, सोने का जो मल धीरे 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 निकालकर उसको 24 कैरेट का बनाता है, वैसा ही इंसान धम्म का आचरण करते हुए अपने मन को शुद्ध करता रहता है। तो इसीलिए इन दो गाथाओं का महत्व जो धम्म पद में है और बुद्ध के धम्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बाबा साहब की 3-4 विचार है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि विचार अगर हमारे मन में आता है और उस विचार को हम शुद्ध तरीके से अगर हम स्वीकार नहीं करते और उसको प्रचारित और प्रसारित नहीं करते तो वो विचार मर जाता है। और अच्छा विचार हमारे मन में है और उसका हमने प्रचार प्रसार अगर नहीं किया तो हमारे मन से वो विचार हट जाता है। और जो आदमी जागरूक रहकर विचारों को अपना लेता है और उस विचारों के ऊपर कृति करता है तो दिन ब दिन वो दुरुस्त होते जाता है, वो समन संघ का असली या सही मेंबर बन जाता है। विद पीपल ने हमें तथागत बुद्ध की ये दो गाथाओं से हमें क्या सीख लेनी है, क्या मोरल लेना है, तो यही मोरल लेना है कि मैं आज समन संघ के करीब 133 समन संघ के साथियों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ जुड़ा हूँ, क्या मैं इनको इनके प्रति मैं अपना प्यार बांटू, मैं मेरे मन की जो मैत्री है,
मेरी मुदिता है, मेरी उपेक्षा है, ये भावना मैं मेरे मन की मेरे सभी साथियों के साथ बांटता रहूं, तो ही मैं विद पीपल में मेरे मन को औरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग की भावना रखूंगा, दूसरों को समझ लेने की लेने का भाव मेरे मन में आएगा, और धीरे धीरे मेरे मन में अगर किसी के प्रति अगर खटास है या किसी दुर्व्यवहार की भावना है तो धीरे धीरे वो नष्ट होती जाएंगी, और विद पीपल में हम लोग जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे मन एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा विद पीपल का संघ समन संघ संख्या में ज्यादा बढ़ेगा, सोच में हम लोग एक बनेंगे, हमारी सोच एक होगी और हम धम्म का आचरण करते जाएंगे, और बाबा साहब को और संविधान में लिखे हुए जो भी तत्व है उनको हम आचरित करते जाएंगे। ऐसे से ही हमारा विद पीपल का जो समन संघ है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। यही शिक्षा तथागत बुद्ध के यमक वर्ग के पहली और दूसरी गाथा से हम लोग यहाँ पर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको ये यमक वर्ग की पहली यमक वर्ग की जो पहली गाथा है मनोपुब्बगम्मा वाली और दूसरी गाथा है मनोपुब्बगम्मा की, इसका सार आपको शायद समझ में आया होगा। मैं अभी सभी साथियों को, हमारे बीच में डॉक्टर लाल सिंह है, यूवी सिंह है और सुधीर राज सिंह तो सर तो धम्म के बारे में काफी जानकार है, तो मैं इन लोगों को और भी आप सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मनोपुब्बगम्मा की बुद्ध की शिक्षा के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और आज की सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सीता। ये मेरे ख्याल में जो भगवंतो वदेन धम्मपद गीता है ये उसकी पहली गाथा है, और गाथा में और कथा में अंतर होता है। यहाँ जो बोल रहे हैं इसको गाथा बोल रहे हैं, कथा नहीं बोल रहे हैं। कथा जो होती है वो जो कहा हुआ होता है उसको बोलते हैं, और गाथा जो होता है जो गाकर कहा जाता है उसको बोलते हैं। और अगर धम्मपद में दो चीजें जोड़ दें, एक आत्मा परमात्मा जोड़ दें और एक गॉड जोड़ दें, तो वो गीता बन जाती है। वैसे इसका पूरा नाम भगवंतो वदेन धम्मपद गीता है। भगवंतो वदेन का मतलब है जो भगवान ने, भगवान बुद्ध ने कहा था, और गीता का माने होता है जिसमें बहुत सारे गीत हों। और ये जो गाथा है, गाथा का मतलब होता है गाने वाली जो बात है वो, यानी कि सारे गीतों में कही गई है, इसलिए इसको गीता बोलते हैं, ये इसका नाम है। और पहली जो कथा है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी अच्छी है। एक बात, यहाँ जो 129 लोग बैठे हैं मैं उनको ध्यान दिला दूं कि दो चीजों में अंतर हमेशा ध्यान रखना, और ये वही लोग जानते हैं जो धम्म को जानते हैं। एक होता है मन और एक होता है मस्तिष्क, यानी कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग होते हैं। मस्तिष्क जो होता है यानी ब्रेन बोलते हैं उसको, वो मटेरियल का बना होता है, जो हमारी खोपड़ी के अंदर रखा हुआ है वो मस्तिष्क है, ब्रेन है। और जो मन है वो हमारी खोपड़ी के अंदर नहीं होता, यानी मन को इंग्लिश में माइंड बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जितनी भी चीजें बताई हैं वो माइंड के और मन के ऊपर बताई हैं, मस्तिष्क के ऊपर कुछ नहीं बताया उसमें। तो मत्था या मस्तिष्क है उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ। तो वो ये कह रहे हैं पहली गाथा में, और ये गाथा कितनी सच्ची है कि 130 लोग इस बात को सोचें और ध्यान दें कि जब भी उन्हें कोई काम करना होता है, या तो किसी को बोलना हो, या हाथ से कुछ उठाना हो, या आंख से कोई इशारा करना हो, या कुछ खाने का सोचना हो, या पैरों से चलना हो, कोई भी काम वो करेंगे चाहे वो अच्छा या बुरा, वो सबसे पहले मन में आता है। यानी कि ये जो मेरी हाथ उठा हुआ है, इस हाथ की अगर मैं इस उंगली को ऐसे करूंगा तो ये मेरे मन में आती है, मतलब मुझे नीचे करनी है तो मेरे मन में पहले आई है, तब मैंने कमांड दी है अपने ब्रेन को, माइंड को, तब ये नीचे होती है, तब ये ऊपर होती है। और ये बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है मन। इसलिए बुद्ध ने पहली गाथा सारे पूरा जो बुद्ध का साहित्य है उसका सार है कि जो भी हम करते हैं वो हमारे मन में आता है, और मन इसका ड्राइवर है, मन इसका अगुआ है, यानी कि सबसे पहला जो काम होता है मन से होता है। और मन में अगर अच्छा आएगा तो अच्छा काम करेंगे, और मन में अगर खराब आएगा तो खराब काम करेंगे। और अगर अच्छा काम करेंगे हम तो हमारे को सुख मिलेगा, ठीक ऐसे जैसे जो गाड़ी चलती है उसकी छाया साथ साथ चलती है। और अगर खराब काम करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि दुख ऐसे आता है, खराब काम करेंगे तो दुख हमें साथ चलेगा, और ऐसे चलेगा
जैसे बैलों के पीछे गाड़ी चलती है, यानी कि आप दुख का काम करते रहोगे और गाड़ी पीछे चलती रहेगी, दुख की लगातार चलती रहेगी, क्योंकि उस समय बैल और गाड़ी हुआ करते थे, इसलिए वो उदाहरण भी वैसे देते थे बैल और गाड़ी के, कोई कार मोटरसाइकिल तो थे नहीं, स्कूटर जो उसका उदाहरण देते। ये पहली गाथा इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को तो मर जाते हैं उनको ये नहीं पता चलता बेचारों को कि मन अलग होता है और मस्तिष्क अलग होता है। वो मन को ही मस्तिष्क समझते हैं और मस्तिष्क को ही मन समझते हैं और दोनों को एक समझते हैं। ये जो बुद्ध का धम्म जानते हैं उनको पहले दिन पता चल जाता है मन अलग है और मस्तिष्क अलग है। आज चूंकि धम्म का दिन है इसलिए ये गाथा बताई है। कुछ और भी पूछना चाहें तो यहाँ कटके सर हैं, यहाँ डॉक्टर यूवी सिंह हैं, यहाँ डॉक्टर लाल सिंह हैं, मैं भी थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, पूछ सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ कुछ किसी के सवाल जवाब होंगे तो बोल लेंगे। 10:01 हो गए, टाइम से खत्म करेंगे इसको। पूछे अगर कोई सवाल है तो। डॉक्टर राहुल दास जुड़े हैं आज, वो एक जातक कथा सुनाने के लिए उनको आमंत्रित किया था आज। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी अभी बुलाता हूँ उनको। डॉक्टर राहुल है इसमें? राहुल दास जी हैं। अच्छा ठीक है, तो आज चूंकि धम्म का दिन है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सबसे पहले हम, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया है, तो डॉक्टर राहुल आए और अपना एक जातक कथा अगर कोशिश हो के 10 मिनट के अंदर खत्म कर दें। डॉक्टर राहुल जी अपना इंट्रोडक्शन दें पहले। डॉक्टर राहुल जी आप दे दीजिए उनका इंट्रोडक्शन। डॉक्टर राहुल जी आपका आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। ओके ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ब्रीफ में अपना परिचय दे दूं आपको। मैं डॉक्टर राहुल दास हूं, उम्र अब 64 इयर्स है। एमबीबीएस मैंने एम्स से किया है, उसके बाद एमबीए हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मैं भगवान दास जी का पुत्र हूं, क्योंकि इस देश में ये बताना ही बहुत जरूरी कौन किसका पुत्र है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ जानकारी एक दूसरे को मिलती है कि उनका अनुभव कैसा होगा। तो मैं इस समय दिल्ली से बोल रहा हूँ और बौद्ध उपासक संघ से जुड़ा हूँ मैं, समता सैनिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं आज आपको एक जातक कथा सुनाऊंगा जो बहुत ही एक प्रेरणा की एक कहानी है, जंगल की आग। एक बार एक जंगल में आग लग गई, बहुत भयंकर आग थी, जानवर इधर उधर भागने लग गए और आग बेकाबू थी बिल्कुल। तो जब इतनी बड़ी आग लग गई तो पशु पक्षी सब जो भाग नहीं पाए थे वो जलने लगे, चारों धुआं धुआं हो गया, वो भी भाग गए, जो शिकारी थे वो भी भाग गए। जंगल की डॉक्टर साहब आवाज सही नहीं आ रही, आप विदाउट वीडियो बोले तो आवाज आ जाएगी। इसी तरह मुस्लिम आंटी जी हमारी विदाउट वीडियो बंद करके बोले तो नहीं अच्छी आवाज आएगी। डॉक्टर साहब अपना वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो ठीक हो जाएगी आपकी। अब ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है जी। तो उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसका एक घोंसला था, उसमें कुछ अंडे थे उसके, जिसमें से बच्चे अभी होने ही वाले थे। तो उस चिड़िया ने जब ये देखा तो वो अपना घोंसला और अंडे और बच्चे सब छोड़ नहीं सकती थी वो। तो उसने फिर ये सोचा कि मैं अब क्या करूं मैं। तो उसने पास में ही एक तालाब था, वहां पे जाके अपनी चोंच पे पानी लेके आती और इस जंगल की आग में उसे डालना शुरू किया।
जो जानवर उस जंगल को छोड़ के भाग चुके थे, दूर दूर खड़े हो गए थे और देख रहे थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है, तो वो हंसते लगे इस चिड़िया के ऊपर। वो हंसते रहे और वो चिड़िया थी बेचारी, वो पानी लेके आती उस तालाब से और उस डालती रही। इस बीच में उसके उसके पंख भी जल गए थोड़े बहुत और घायल भी हो गई। उसको देखते देखते वहां पे उस तालाब के पास थी जो हाथी थे, उन्होंने देखा कि भाई ये छोटी सी चिड़िया है, ये आग बुझाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है, तो क्यों ना हम भी करें। तो हाथियों ने क्या किया कि सूंड में अपने पानी भर भर के लाना शुरू किया। हाथियों को देख देख के जो और भी जानवर थे वो भी साथ जुड़े और फिर वो काफिला पूरा बढ़ता चला गया उन जानवरों को, और जिससे जो कुछ हो सका उन्होंने प्रयास किया और पानी भर भर के लाए और जंगल की आग को उन्होंने बुझा दिया। तो लोगों ने जब उस चिड़िया से उससे पूछा कि तू इतनी छोटी थी और तूने ये काम क्यों शुरू किया और तुम जल भी गई, तो उसने उत्तर दिया कि मुझे अपने जलने से कोई अफसोस नहीं। उसने कहा कि मैं अगर ये ना करती तो मेरा इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता कि मैंने भी इस आग को बुझाने में एक प्रयास किया था। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है कि हम लोग जो स्पिरिट वर्क है और वी द पीपल की एक्टिविटी जो चल रही है, उनका जो इस कहानी का मॉरल है कि हम एक पहला कदम तो उठाएं हम। और मैं समझता हूं कि वी द पीपल जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उनकी नेटवर्किंग एक नई तरीके से है, क्योंकि जो लोग हमारी संस्था है दिल्ली के अंदर 3000 से ऊपर तो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड होंगी, और उनका जो काम करने का तरीका है अगर पहले की तरह ही उनका चलता रहेगा तो रिजल्ट भी पहले की तरह ही आएंगे। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि वी द पीपल जो है वो टोटली एक डिफरेंट अप्रोच से काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उनका उनके रिजल्ट्स भी आएंगे। और एक और छोटी सी कथा मैं और आपको सुना दूं, ये भगवान बुद्ध की है। एक सेनापति भागता हुआ जा रहा था युद्ध करने के लिए, एक राजा और उसके सेनापति भागता हुआ युद्ध करने जा रहे, रास्ते में उनको भगवान बुद्ध मिल गए। तो वो जल्दी में थे और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका ये बुद्ध धर्म है क्या, और आप मुझे एक शब्द में बताइए कि हमारे पास समय नहीं है, ये बुद्ध धर्म है क्या ये। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने एक क्षण सोचा, शांत हुए और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक शब्द में ही इसका उत्तर दूंगा आपको कि मेरा ये धर्म क्या है। उन्होंने क्या शब्द कहा, होश। उन्होंने कहा कि होश में आओ, होश में रहो। तो वी द पीपल आई थिंक इट इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क, और अगर हमारा ये समाज जो जागरूक इतना नहीं है क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, फासले दूर दूर हैं, और जिस माध्यम से हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसकी भी बहुत जगह पे आज भी पहुंचती होगी क्योंकि हमारे लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत अच्छा है। और अगर लोग होश में आ जाए तो जो होश में नहीं है वो भी होश में आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ आज बहुत दिन के बाद जुड़ा हुए, क्योंकि मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ और दिन में भी पूरा दिन काम करना पड़ता है। भगवान दास जी का मैं जो अधूरा काम था उसको भी उसको पूरा करने में मैं लगा हूँ। उनके मृत्यु पश्चात जो 2010 में हुई थी, मैंने 5 उनकी पुस्तकें उनको हमने छपवाई हैं, और आप लोग सब जानते ही हैं कि मेरे पिताजी ने 16 साल की उम्र से डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनका इंटरेक्शन होता रहा, और
आखिरी दिन तक भी, उनके मृत्यु के दिन भी वो उनके उनके घर में ही थे, और उनको बाबा साहब ने एक बार ये कहा था कि तुम कहाँ थे अब तक, अब तक मुझे क्यों नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से ऐसा आदमी, ऐसा वाक्य बाबा साहब किसी को नहीं कहा होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि मुझे 8-10 मिनट ही दिए गए, मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। और मैंने वी द पीपल के लिए पहले भी एक सार्वजनिक मीटिंग में अनाउंस किया था कि मेरे पास साउथ दिल्ली में 40 लोगों की एक स्थान है, एयर कंडीशन कमरा है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ वी द पीपल। और कोई भी दलित ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी SC बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी मीटिंग करना चाहे तो वो यहाँ कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, एयर कंडीशन कमरा है, आप शांति से इसमें बैठ के अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा आज। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.